Ministers, portfolio and constituency. ये एक क्वेश्चन आता है मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब आपको लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि सबसे डिसीजन मेकिंग बॉडी, किसी भी गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट को चेयर करते हैं और यूनियन कैबिनेट में एट प्रेजेंट 27 मिनिस्ट्री, ठीक है, 27 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको एक से अधिक पोर्टफोलियो मिला हुआ है। पोर्टफोलियो का मतलब जिस मिनिस्ट्री का चार्ज जिसको मिला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। जैसे कि होम मिनिस्ट्री का चार्ज राजनाथ सिंह को मिला हुआ है, तो होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो राजनाथ सिंह के पास है कैबिनेट का। आपको तीन तरह के जनरली मिनिस्टर्स होते हैं, एक कैबिनेट, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक डिप्टी। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और एक डेप्यूटी होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर्स अब अभी प्रयोग में नहीं हो रहा, अभी केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स। कभी अगर ऐसा होता भी है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में एक से अधिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रख दिए जाते हैं टू मेक द फंक्शन इजी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्टेट मिनिस्टर्स एक से ज्यादा रखे हुए हैं, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक पर कैबिनेट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डेप्यूटी। डेप्यूटी अभी प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन स्टेट वाले में दो बातें, एक है इंडिपेंडेंट चार्ज, एक है इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है कि वैसे स्टेट मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं, वैसे स्टेट मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होगा। हालांकि वो कह रहे हैं एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके ऊपर नहीं होते, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं होते, ठीक है। तो करेंटली देख लीजिए कौन कौन से हैं मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनका संसदीय क्षेत्र। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पता होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पता होना चाहिए, स्टेट वाले का नहीं, कैबिनेट वाले का जरूर पता होना चाहिए। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाराणसी से, दो जगह से चुनाव जीता था, वडोदरा और वाराणसी, वडोदरा छोड़ा और वाराणसी। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि करेंटली प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम विच स्टेट, यू विल नॉट मार्क गुजरात, यू विल मार्क उत्तर प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। समझ में आया? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इंदौर, ठीक है। पहली इसमें एक क्वेश्चन और बन के आता है, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, ये लिख लीजिए आप मीरा कुमार, ठीक है। लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर एम थंबीदुरई, ये AIADMK के हैं, AIADMK जयललिता की पार्टी उसके हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ठीक है, AIADMK, क्लियर। नेक्स्ट, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन पीजे कुरियन थे, अभी नहीं, अभी करेंटली जो है वैकेंट है, अभी चल रहा है, विपक्ष पार्टी ने भी अपनी बैठक बुलाई है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट के लिए, ठीक है, तो अभी करेंटली वैकेंट। नेक्स्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, देखिए सबसे नंबर टू का जो पोर्टफोलियो माना जाता है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर वो होम मिनिस्टर, क्यों, लॉजिक क्या है, क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के, 6 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत
डिपार्टमेंट ऑफ होम, एक डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी होते हैं, जैसे कहते हैं होम सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होम को वही पूरा देखते हैं, होम सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो एक डिपार्टमेंट हो गया, और बाकी स्टेट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, एंड लास्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये सिक्स डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, ठीक है, इसलिए नंबर टू पोर्टफोलियो कैबिनेट में होम मिनिस्ट्री को। फाइनेंस अरुण जेटली, इनके साथ साथ आप फाइनेंस प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स भी लिख लेंगे, हालांकि अभी जो है एडिशनल चार्ज किसको मिला हुआ है, पीयूष गोयल को कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिकॉज अरुण जेटली बीमार चल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं बता चुका हूँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस लिख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही डिपार्टमेंट क्या प्रिपेयर करती है, बजट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, पांच डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो फाइनेंस प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स, अरुण जेटली, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राज्यसभा मेंबर कहां है, कहां से, उत्तर प्रदेश, करेंटली पीयूष गोयल हैज एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक्स्ट्रा चार्ज पीयूष गोयल के पास, ठीक है, बीमार चल रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स, सुषमा स्वराज विदिशा से, ठीक है, विदिशा एक्सटर्नल अफेयर एमपी, विदिशा बहुत दिनों से है, विदिशा से चुनाव जीतती आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस सिविल एविएशन, जहां जहां प्लस दिखेगा आपको वो मिनिस्ट्री अलग है, जहां जहां एंड दिखेगा वो मिनिस्ट्री एक ही मर्ज किया होगा, ठीक है, नाम अलग अलग है, हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो वो, लेकिन मिनिस्ट्री एक ही, लेकिन जहां प्लस दिखे आपको वो मिनिस्ट्री अलग अलग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री प्लस सिविल एविएशन सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमण थी उनके बाद वो बन गई डिफेंस मिनिस्टर, और ये बन गए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये राज्यसभा मेंबर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और निर्मला सीतारमण राज्यसभा मेंबर फ्रॉम कर्नाटक, ठीक है, इनके लिए आप एक लाइन लिख सकते हैं, एक्सेप्ट इंदिरा गांधी, सी इज द ओनली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, इंदिरा गांधी भी ऐसे अलग से पोर्टफोलियो नहीं फॉर्म किया, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो हेल्ड किया था उसके अंदर, लेकिन एक्सेप्ट इंदिरा गांधी, सी इज द ओनली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ठीक है और सेमी डेफिनेशन से भी कौन जाए हां नागरिक उड्डयन है सिविल एविएशन दिस इज फॉर एरोप्लेन वाला पूरा एयर इंडिया वगैरह इसी से इसी में आता है ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे या फिर मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पूछे आंसर इज हर्षवर्धन अच्छा चांदनी चौक के लिए एक और इंफॉर्मेशन है इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया चांदनी चौक क्या है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया एरिया वाइज कौन सा है चांदनी चौक ठीक है हर्षवर्धन ये दिल्ली में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे जब पहली बार चुनाव लड़ा था बीजेपी केजरीवाल कुछ महीनों के लिए बने ठीक है तो उस टाइम पे ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी और चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से हर्षवर्धन ठीक है क्या किरण बेदी सेकंड ठीक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी पीलीभीत संजय गांधी की वाइफ ठीक है वरुण गांधी की मतलब पीलीभीत ठीक है मेनका गांधी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ये एक मिनिस्ट्री ठीक है शिपिंग दूसरी मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्स तीसरी मिनिस्ट्री रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा जल रिजर्वेशन ये चौथा मिनिस्ट्री चार मिनिस्ट्री एक ही आदमी के अंतर्गत नितिन गडकरी ठीक है नागपुर इनके लिए कहा जाता है कि देश को पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई टू पुणे ये जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे कहां पे महाराष्ट्र में तो दिया गया ठीक है दो ऐसे काफी अच्छे मिनिस्टर जिनको शामिल किया गया महाराष्ट्र के एक सुरेश प्रभु वाज पावर मिनिस्टर ठीक है कहां पे महाराष्ट्र में शिवसेना से बिलोंग करते थे सुरेश प्रभु जब बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी पहले अभी वाली नहीं पहले वाली 1999 के आसपास तब जो है ये दोनों मिनिस्टर थे उसमें उनको कैबिनेट पोर्टफोलियो दिया गया इसमें ठीक है एक को रेलवे मिनिस्टर और एक को वही इन्होंने जानबूझ के इन मिनिस्ट्री दिया नितिन गडकरी रोड वाले ठीक है और सबसे अच्छा काम इसी मिनिस्ट्री में हो तो ये आप लोग इसलिए मार्क करके रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे अच्छा काम इस गवर्नमेंट में इसी मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ ठीक है नेक्स्ट कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है नागपुर नितिन गडकरी का कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान ये हर एक गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं नहीं रामविलास पासवान जिस गवर्नमेंट की सरकार बनती है उसी में चले जाते हैं ठीक है एनडीए फिर यूपीए फिर एनडीए ठीक है अभी कहां हाजीपुर से चुनाव जीते हाजीपुर ठीक है हाजीपुर नेक्स्ट रेलवे और कोल ये कौन है पीयूष गोयल रेलवे और कोल पीयूष गोयल ठीक है राज्यसभा आर एस जहां दिखे वो राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र राज्यसभा महाराष्ट्र से एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ठीक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने काम की भी चीज है ना पढ़ाई लिखाई वाला डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसमें दो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल वाला है ना सेकेंड ठीक है तो प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र जी ठीक है राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र प्रकाश जावड़ेकर पहले ये क्या थे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये टर्म ऐड करवाया गया है रिसेंटली फार्मर वेलफेयर सेम मिनिस्ट्री है उसी में वर्ड ऐड करवाया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हुआ करता था उसमें वर्ड फार्मर वेलफेयर इसमें तीन मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर करती है ठीक है नेक्स्ट राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार ठीक है पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह ठीक है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे 2014 से मतलब बिहार से ठीक है इसीलिए बनाए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये बहुत बड़े लीडर है कहाँ से हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा ठीक है अभी जो हिमाचल में चुनाव जीता तो इनका भी नाम कहा जा रहा था सीएम कैंडिडेट में हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा ठीक है
next petroleum and natural gas ठीक है ये भी ministry काफी अच्छा काम कर रही है जैसे इस ministry की सबसे पहली योजना कौन सी उज्ज्वला है ना उज्ज्वला योजना जो कि इस गवर्नमेंट का मैंने बताया होगा सबसे सफल स्कीम में से माना जाता है उज्ज्वला योजना और इस मिनिस्ट्री का एकमात्र सबसे पहला मतलब इससे पहले कोई मिनिस्ट्री कोई स्कीम लेकर नहीं आती ठीक है इसका काम तो बस ये था कि आप फ्यूल प्रोवाइड करवा दो लोग ठीक है तो स्कीम उज्ज्वला योजना ठीक है स्किल डेवलपमेंट राजीव प्रताप रूडी से लेकर बाद में धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया ये राज्यसभा मेंबर फ्रॉम एमपी बिहार से थे अब एमपी से बन गए राज्यसभा मेंबर ठीक है आते हैं कहां से कौन से स्टेट से ओडिशा से ओडिशा से माइनॉरिटी अफेयर्स कौन मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा झारखंड झारखंड राज्यसभा केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लस पार्लियामेंट्री अफेयर्स अनंत कुमार ये दो मिनिस्ट्री हैं अलग अलग केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स का क्या काम होता है सरकार कौन सा बिल लाने जा रही है सरकार की तरफ से क्या क्या पॉइंट होगा क्या क्या रिप्लाई होगा ठीक है जो संसद का कामकाज है वो कैसे चलेगा ये सारा काम कर को देखना किसका जिम्मा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का जिम्मा ठीक है समझ में आ गया हालांकि वहां पे अलग अलग लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होता है लेकिन सरकार की तरफ से कैसे सदन चलाया जाए ये सारी की सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की होती है ठीक है टेक्सटाइल इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ करता था वो ले लिया गया अभी केवल और केवल टेक्सटाइल है राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात ठीक है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज माइंस नरेंद्र सिंह तोमर ये भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे एमपी से ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से चुनाव जीतकर आए हैं इस पर इनकी क्या कहते हैं सिंधिया जो थी विजया राव सिंधिया यहाँ से जीतती थी ठीक है इस बार उनको वो चुनाव नहीं लड़ी है और नरेंद्र सिंह तोमर ये ग्वालियर से चुनाव ठीक है ग्वालियर से पहले माधव राव सिंधिया 1984 में हराया था इनको अटल बिहारी वाजपेयी को वेरी हाई प्रोफाइल सीट है ठीक है माधव राव सिंधिया डिफीटेड अटल बिहारी वाजपेयी 1984 ठीक है तो वहां से चर्चा में था ग्वालियर तो अब जो है नरेंद्र सिंह तोमर लॉ एंड जस्टिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अलग एक मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया जैसे मिनिस्ट्री था कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है इसको इसमें तीन डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो इंडिया पोस्ट देखते हैं है ना भारतीय डाक और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है इसको अलग कर दिया गया और इस दोनों को एक साथ किसमें रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इसको अलग करके एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिया गया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है समझाएगा इसको एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिया गया तो ये मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और ये वाले ऊपर वाले इसको कैबिनेट का रैंक नहीं मिला हुआ इंडिपेंडेंट है मनोज सिंह ठीक है आगे आएगा ठीक है पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो ये हो गया ये यहाँ तक हो गया रविशंकर प्रसाद ये राज्यसभा फ्रॉम बिहार राज्यसभा फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन्हीं के पास रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन भी था जो इनसे लेके नितिन गडकरी को दिया ठीक है उमा भारती झांसी ठीक है बुंदेलखंड वाला एरिया बुंदेलखंड की बहुत बड़ी लीडर मानी जाती है उमा भारती ठीक है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी रह चुकी है 2003 में ठीक है फूड प्रोसेसिंग प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल ठीक है भटिंडा यहाँ से चुनाव जीत के आती है ठीक है फूड प्रोसेसिंग
heavy industries and public enterprises. एक ही मतलब minister है शिवसेना का अनंत गीते. नया constituency create किया गया है रायगढ़, जो नया constituency था 2014 में बना था रायगढ़, उससे चुनाव जीत कर आए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से रायगढ़ महाराष्ट्र से. भटिंडा कहाँ है? पंजाब. फेमस है इसलिए मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है स्टेट का, भटिंडा या झांसी ये सब फेमस है कौन से स्टेट. ठीक है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. डीवी सदानंद गौड़ा ये आपके पहले चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? कर्नाटक, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे. इनको कुछ दिनों के लिए रेलवे मिनिस्टर भी बनाया गया डीवी सदानंद गौड़ा, फिर लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया. अब ही क्या है? स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, स्टील चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये 2014 से ठीक पहले तक यूपीए में थे और मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर. कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा के होम मिनिस्टर मोदी वेन में पाला बदला और स्टील मिनिस्टर है. पहले इनको रूरल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया था, रूरल डेवलपमेंट जब गोपीनाथ मुंडे का डेथ हो गया था उस टाइम. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत ये राज्यसभा एमपी मध्य प्रदेश, थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश. ट्रैवल अफेयर्स ये उड़ीसा से है, उड़ीसा के बहुत बड़े ट्रैवल लीडर माने जाते हैं. ठीक है, सुंदरगढ़ उड़ीसा. ट्रैवल अफेयर्स ज्वेल ओराम, ठीक है, दो लीडर उड़ीसा के हैं काफी फेमस, एक धर्मेंद्र प्रधान और एक ज्वेल ओराम. ठीक है, मतलब कहा यह जाता है कि कभी बीजेपी इन फ्यूचर जीतती है तो इन्हीं दोनों में से कोई चीफ मिनिस्टर होगा. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. टोटल करीब 26 या 27 है आपका ये. होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस सिविल एविएशन सुरेश प्रभु, डिफेंस निर्मला सीतारमण. ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी. अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने क्या कहा कि एक बिल है, कौन सा? 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैप 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो उन्होंने लेटर भेजा है किसको? प्राइम मिनिस्टर को. वी आर रेडी टू सपोर्ट अनकंडीशनल, टू गिव अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर दिस बिल 108 कैप, दैट इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ये सब करंट बनता चला जा रहा है, बहुत पहले आया है 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है नितिन गडकरी. ठीक है, क्योंकि इनको नया मिनिस्टर रिवर ऐसे आ जाएगा, हु इज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन मिनिस्टर, तो नितिन गडकरी. ठीक है, अजय मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब बताया, इनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं होते. ठीक है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कौन है? संतोष कुमार गैंगवार, ये आपके यूपी से ही आते हैं. पावर प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये राजकुमार सिंह, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो ये होम सेक्रेटरी थे आर के सिंह. होम सेक्रेटरी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ होम के सारा काम देखने वाले, होम सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोस्ट होता है. ठीक है, और 2014 में चुनाव लड़ा, आरा बिहार से और जीत. ठीक है, मोदी वेव में तो सब जीते, ये भी जीते. ठीक है, और अभी क्या है? पावर प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्री है लेकिन एक ही, जब अब शुरू से ही चाहे पीयूष गोयल हो, वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज में, पीयूष गोयल भी, चाहे अब ये दोनों ही, मतलब पावर प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा एनर्जी कहा जाता है? जैसे बायोगैस है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, कल्चर महेश शर्मा आपके नोएडा से ही एमपी. ठीक है, नोएडा से ही. कम्युनिकेशन मनोज सिन्हा, ये गाजीपुर से. ठीक है, गाजीपुर का है, यूपी. यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स राजवर्धन सिंह राठौर, ये कहां से आते हैं? राजस्थान से. ठीक है, गिरिराज सिंह एमएसएमई, ये नवादा से, नवादा बिहार से चुनाव जीत के आए हैं. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये राज्यसभा मेंबर है हरदीप सिंह पुरी. ठीक है, टूरिज्म अल्फोंस कन्नाथम, ये भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये केरला से आते हैं और केरला से एक भी एमपी था नहीं और है भी नहीं, है ना। बीजेपी गवर्नमेंट में इंडिया गवर्नमेंट में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन मिनिस्टर थे अल्फोंस कन्ना थम, ठीक है, अल्फोंस कन्न थनम। आयुष, आयुष का फुल फॉर्म बताइए। आयुष मीन्स ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, ए फॉर आयुर्वेदा, बहुत बार आयुष का फुल फॉर्म भी आया है, आयुष में यू क्या है या एस क्या है, ठीक है। ये सब टेक्निक है, जो ओल्ड टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, उसके तहत जो उपचार किया जाता है उसको, उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। श्रीपद यशो नायक है इसके, श्रीपद यशो नायक। प्लानिंग रॉ इंद्रजीत सिंह, ये भी राजस्थान से आते हैं, रॉ इंद्रजीत सिंह, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आते हैं कहां से, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जम्मू एंड कश्मीर से, ये नोट एक बार पढ़िए। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट and deputy ministers. Minister of state can be subordinate to cabinet ministers or can get independent charge. ठीक है, या तो वो subordinate होंगे, जैसे जयंत सिन्हा minister of state civil aviation, लेकिन उनके ऊपर civil aviation minister सुरेश प्रभु, ठीक है, तो minister of state, तो वो independent charge नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ये जितना है आपको independent charge वाला बताया, यही ज्यादा important है independent charge वाला, क्योंकि इस minister का कोई भी cabinet minister नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे भी आ गया कि हु इज टूरिज्म मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है, तो आंसर यही होगा अल्फोंस कन्ना थानम, ठीक है, या फिर हु इज कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मनोज सिन्हा, ठीक है, क्लियर। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे भी, इनको अलग से पोर्टफोलियो और देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे। ऐसा क्यों, इंडिपेंडेंट चार्ज वाला क्यों किया, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर अगर बना दिया तो उनकी पोर्टफोलियो अलग हो जाती है, उनको फैसिलिटीज अलग हो जाती है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर इंडिपेंडेंट चार्ज, काम भी ये भी वही करेंगे, लेकिन उनके लिए फिर उतना चीज मेंटेन नहीं करना, समझा कि काम इनका भी वही होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का, क्योंकि इनके ऊपर कोई है नहीं है सब कुछ, तो काम इनका भी वही होगा, लेकिन ये पोर्टफोलियो मेंटेन करना कैबिनेट का होता है और स्टेट का होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस होता है, ज्यादा फैसिलिटीज होती है एज कम्पेयर टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, सबको कैपिटल पता है पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनका लगभग क्या होता है, एग्जैक्ट पता है, मिजोरम का आप बताइए, मिजोरम का किसी को नहीं पता, आइजोल, सिक्किम का, इसी चीज को देखते हुए मैंने बगल में उसका कैपिटल भी डाला, ठीक है, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको कैपिटल नहीं पता, जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ है, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, अभी गवर्नर रूल है, महबूबा मुफ्ती थी, कौन सी पार्टी थी, महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, पीपल डेवलपमेंट या डेमोक्रेटिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा बनाया गया,
उन्हीं की बेटी महबूबा मुफ्ती, लेकिन अभी क्या है गवर्नर रूल, ठीक है। गवर्नर रूल क्यों लिखा, प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लिखा, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर रूल का परमिशन, ठीक है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो मिलिट्री वहां पर बेस है वो किस आर्टिकल से, बाय आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई बात। हिमाचल प्रदेश शिमला जयराम ठाकुर किसकी, कौन सी पार्टी की सरकार है, बीजेपी, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, बहुत सारा बीजेपी बीजेपी हो जाए, ठीक। ये पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये महाराजा ऑफ पटियाला के खानदान से कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो ये है कांग्रेस, हाँ, और महाराजा इनके जो ग्रैंडफादर थे आई थिंक वो महाराजा ऑफ पटियाला का कैप काउंट, ठीक है। उसके बाद हरियाणा एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, अगेन बीजेपी, ठीक है, पहली बार बीजेपी की फुल फ्लेज सरकार यहाँ पे बनी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तो पहले भी बन चुकी है, प्रेम कुमार धूमल थे उससे पहले, यहाँ पे पहली पहले कभी नहीं, ठीक है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुडा, भूपेंद्र हुडा, और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला था, ये लोग थे यहाँ, ठीक है, 10 साल तक हुडा रहे थे, उससे पहले चौटाला। राजस्थान जयपुर अगेन वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी राज खानदान की है। ग्वालियर जो मैंने अभी आपको बताया था विजय राव सिंधिया, तो ये भी उसी फैमिली की, ग्वालियर सिंधिया, जो आपको हिस्ट्री में कभी आप पढ़े हो कि चार तरह के जो मराठास थे, सिंधिया इन ग्वालियर, होलकर इन इंदौर, गायकवाड़ इन राजकोट वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, सौराष्ट्र वाला गायकवाड़, ठीक है, बड़ौदा वाला पूरा रीजन, और पुणे में कौन सा पेशवा, ठीक है, भोसले इन पुणे, भोसले इन सतारा, ठीक है। तो ये पूरा रीजन जो है मराठा कॉन्फेडरेसी का कहा जाता है, तो उसी में थी, उसी फैमिली से बिलोंग, ठीक है। वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में वो, ठीक है, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, और माधव रोशन है कि सिस्टर होती है वसुंधरा राजे, ठीक है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अगेन बीजेपी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा, फंस गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका अभी कोई, उत्तराखंड अगेन बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ये इसको एनडीए लिखेंगे, बीजेपी नहीं लिखेंगे, एनडीए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार इज फ्रॉम जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, बिहार नीतीश कुमार बहुत दिनों से, ठीक है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, इसको स्टार मार्क कीजिए, क्यों क्यों, ये चेंज होने वाला है, चुनाव होगा ना अभी 2018 में, तो जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां मैं स्टार मार्क करवा दूंगा। राजस्थान का भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, वही रह जाए अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां यहां चुनाव होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड, अच्छा ये भी बीजेपी है, झारखंड, ये झारखंड का कैपिटल कहाँ है, रांची, ठीक है, रघुवर दास, ये भी बीजेपी, ओडिशा भुवनेश्वर, और कौन है इसके, नवीन पटनायक, कौन सी पार्टी, बीजेडी, बीजू जनता दल, इनके फादर थे बीजू पटनायक, उन्होंने बनाया था बीजू जनता दल बीजेपी। बीजू जनता, वेस्ट बंगाल कोलकाता ममता बनर्जी, कौन सी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है।
ये फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, बीजेपी के टाइम पे भी और कांग्रेस के टाइम पे भी, एनडीए में भी थी और यूपीए में भी, अभी किसी ने नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है नेक्स्ट असम दिसपुर सर्वानंद सोनोवाल, अगेन बीजेपी, अगेन बीजेपी सर्वानंद सोनोवाल, ये यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे असम के चुनाव से पहले, जब असम में चुनाव जीते तो इनको भेज दिया असम चीफ मिनिस्टर बना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, यहाँ पे बहुत ही यूनिक टेक्निक है बीजेपी, सारे के सारे कांग्रेस वाले मर्ज हो गए किसमें, बीजेपी, पूरी की पूरी टीम ही एक प्राइम एक चीफ मिनिस्टर अकेला रह गया, बाकी चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा ट्रुप कहां मर्ज हो गया, बीजेपी में, और पेमा खांडू क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, जैसे कांग्रेस चुनाव जीती, कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद एक चीफ मिनिस्टर बना, वो चीफ मिनिस्टर अकेला रहे, बाकी जितने लोग थे वो सब के सब मर्ज हो गए कहां, बीजेपी में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का गलत लिख दिया गया, ईटानगर, वो आंध्र प्रदेश का लिख दिया, ठीक है, ईटानगर, ठीक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, ठीक है, नेफ्यूरियो, ठीक है, के आर टेलियांग थे उससे पहले भी नेफ्यूरियो थे, 2006 वगैरह के आसपास भी नेफ्यूरियो थे, नागालैंड पीपुल्स पार्टी एनपीपी और एक है नागालैंड डेवलपमेंट पार्टी एनडीपी, ठीक है, ये दोनों लोग हैं, पहले दोनों एक में ही थे, के आर टेलियांग और ये, अभी बीजेपी की सपोर्ट से ये बने हैं नेफ्यूरियो, तो हम भी आप एनडीए लिख सकते हैं, ठीक है, एनडीए। मणिपुर इम्फाल, यहां बीजेपी, ठीक है, मणिपुर इम्फाल बीजेपी, ये एकमात्र स्टेट है जहां कांग्रेस है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अब यहां कांग्रेस लाल तन्हा वाला, ठीक है, लाल तन्हा वाला, ठीक है, कांग्रेस। त्रिपुरा सीपीएम की सरकार हट गई, कौन थे सीपीएम से, मानिक सरकार, नाम नहीं सुना कभी, बीजेपी, या आप एनडीए लिख सकते हैं इसको, 7 सीट वैसे दूसरे पार्टी का भी, ठीक है, एनडीए। मेघालय, यहां एनडीए, ठीक है, पीए संगमा का नाम सुना, उनकी पार्टी और बीजेपी ये मिलकर वहां सरकार बनाई है, ठीक है, कॉनराड संगमा। नेक्स्ट सिक्किम, पवन कुमार चामलिंग, इनके लिए एक लाइन लिख लीजिए, पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम जब एसडीएफ करके सिक्किम डेवलपमेंट फ्रंट, ठीक है, हाँ, इनके लिए लिख लीजिए, ही इज हाईएस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, ही इज हाईएस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, रिकॉर्डेड द ब्रेक ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ ज्योति बासु ऑफ वेस्ट बंगाल, ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ ज्योति बासु ऑफ वेस्ट बंगाल, ज्योति बासु ऑफ वेस्ट बंगाल। पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम डेमोक्रेटिक या डेवलपमेंट फ्रंट है, सिक्किम डेवलपमेंट फ्रंट, एसटीएफ। छत्तीसगढ़ रमन सिंह, ये भी बहुत दिनों से है, ठीक है, बीजेपी, यहां इसको भी स्टार मार्क कीजिए, यहां भी चुनाव होने वाला, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, तीनों जगहों पर चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू, कौन सी पार्टी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी पहले बीजेपी के सपोर्ट में थी, अभी अलग हो गई, तेलुगु देशम पार्टी,
एंटी रामाराव इस पार्टी के फाउंडर थे, ठीक है, बहुत बड़े एक्टर तेलुगु मूवी के, ठीक है, एंटी रामाराव, उन्होंने ही बनाया था टीडी, ठीक है, और उन्हीं के सन इन लॉ चंद्रबाबू हैं, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु कौन सी पार्टी की सरकार है, AIADMK, अभी बताया था इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम, ठीक है, ये भी एमजी रामचंद्रन की पार्टी, एमजी रामचंद्रन तमिल के बहुत बड़े एक्टर, ठीक है, तमिलियन बहुत बड़े एक्टर थे अपने टाइम के, तो उन्होंने बनाया था AIADMK, ठीक है, और जयललिता भी एक्ट्रेस थी, ठीक है, तो जयललिता के जाने के बाद अब पी पलनी स्वामी और पी सत्शिवम दो लोग काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, शशिकला को इन लोगों ने साइड किया, ठीक है। नेक्स्ट केरला, यहाँ पे किसकी सरकार है, CPM, या आप कह सकते हैं लेफ्ट की सरकार है, जिसको कहते हैं LDF, लेफ्ट डेवलपमेंट फ्रंट करके है CPM, ठीक है, लेफ्ट डेवलपमेंट फ्रंट LDF, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी पार्टीज हैं, लेकिन मेनली CPM का एक ही जगह पे पूरे इंडिया में है। पनेरी विजयन, ठीक है, बहुत दिनों तक VS अच्युतानंदन यहाँ के CPM के कैंडिडेट हुआ करते थे, मतलब इंडिया में सबसे बुजुर्ग CM यहीं का होता था, VS अच्युतानंदन, इस बार इनको कहा रुक जाइए पनेरी विजयन को, ठीक है। नेक्स्ट SD कुमार स्वामी कौन सी पार्टी, JDS, जनता दल सेकुलर, जब जनता दल बहुत पार्ट में बैठा तो कुछ पार्टी का नाम ऐसे आया जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, ठीक है, अलग अलग लोग बनते गए, सब जनता दल से निकले हुए, ठीक है, जनता दल पार्टी 90s में, ठीक है, VP सिंह जनता दल से ही थे, ठीक है, जनता दल जन मोर्चा बनाया था उन्होंने, पूरे जनता वाले लोग मिला, ठीक है। नेक्स्ट गोवा, पना जी ये आपके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनोहर पारिकर, ठीक है, और NDA लिख लीजिए, क्योंकि ये दो जगह ऐसे है जैसे ये और मणिपुर, जहां पर ये लोग चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस की ज्यादा सीट थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर इनके हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जितने लोग थे वो इनको सपोर्ट कर दिया, इनको कर दिया, जैसे मणिपुर में 40 चाहिए था, 30 चाहिए था, और इनके आए थे 21, कांग्रेस के 27, तो 9 लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया, 10 लोगों ने, कांग्रेस को 3 ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे करीब 17 और 13 था, ऐसे कुछ था, 20 चाहिए था, 7 लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया, 8 लोगों ने, और कांग्रेस को 3 नहीं मिला, कोई बात नहीं। SD कुमार स्वामी इनका पार्टी है GDS, दैट इज कॉल्ड जनता दल सेकुलर, और गोवा मनोहर पारिक, ठीक है। एक सेकेंड, आप आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इनिशियल 10 ईयर के लिए क्या है, हैदराबाद, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, अमरावती, ठीक है, अमरावती, तो ये लिख लीजिएगा अमरावती, किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का अमरावती, और उसका अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है, ईटानगर, ठीक, गलती से वहां आंध्र प्रदेश का लिखा जा गया है। तेलंगाना का हैदराबाद, यहां पे किसकी सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव कौन से पार्टी के हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, TRS, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस, ये BJP, ठीक है, BJP,
ये भी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं. विजय रूपानी वॉज ऑल्सो प्रदेश अध्यक्ष. ठीक है, स्टेट चीफ ऑफ कहां, गुजरात. ठीक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली. अब अभी तक 29 स्टेट हो गया, बाकी दो यूनियन टेरिटरीज में भी सीएम का पोस्ट होता है. कहां कहां, दिल्ली और पुडुचेरी. ठीक है, दिल्ली में किसकी सरकार है, आप, आम आदमी पार्टी. ठीक है, और यहां पर कांग्रेस. ठीक है, यहां पर कांग्रेस. ठीक है, क्लियर, समझ आ गया. सो चीफ मिनिस्टर और कैपिटल आप यहां से देख सकते हैं. जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर, चीफ मिनिस्टर में अभी गवर्नर रूल है. ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कितने दिन के लिए बनते हैं चीफ मिनिस्टर, ये लिख लीजिए. जे एंड के में चीफ मिनिस्टर जो है वो 6 इयर्स के लिए बनते हैं, नॉट फॉर 5 इयर्स. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट 6 इयर्स के लिए होता है, नॉट फॉर 5 इयर्स. ठीक है, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर. पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला. पंजाब चंडीगढ़. ठीक है, हरियाणा भी चंडीगढ़. चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी. ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस पार्टी, और हरियाणा मनोहर लाल खट्टर बीजेपी. राजस्थान जयपुर वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन अभी यहाँ चुनाव होने वाले बीजेपी का है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हट सकते. ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ योगी आदित्यनाथ. ठीक है, ये अभी 22 तक 22 तक चेंज नहीं होगा. उत्तराखंड देहरादून, ये भी 22 तक चेंज नहीं होगा. बिहार ये 20 तक, 2020 में इलेक्शन होगा तो वहां चेंज हो सकता है. मध्य प्रदेश में स्टार मार्क करवा दिया, 2018 में जहां जहां चुनाव है वहां स्टार मार्क करवा दिया. झारखंड रघुवर दास बीजेपी. ठीक है, यहां भी अभी चुनाव में टाइम. ओडिशा 2019 में चुनाव होगा, नवीन पटनायक बीजेपी बीजू जनता. वेस्ट बंगाल यहां भी करीब 2020 में 21 में 16 में हुआ था, 21 में. ठीक है, असम सर्वानंद सोनोवाल यहां भी 21 में. वेस्ट बंगाल और असम का एक साथ ही होता है. नागालैंड का तो अभी हुआ था 17 में, तो वहां पे 22 में. मणिपुर का भी अभी हुआ था. ठीक है, मणिपुर और गोवा का एक साथ हुआ था. ठीक है, और नागालैंड और त्रिपुरा का एक साथ हुआ था. नागालैंड त्रिपुरा और मेघालय का एक साथ हुआ. सिक्किम पवन कुमार चामा, इनको तो हटाना भी मुश्किल, लेकिन ये भी एनडीए के ही पार्ट है. ठीक है, एसडीएफ इज आल्सो एनडीए. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फ्रंट करके बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट एनईडीपी करके, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पार्टी. ठीक है, उसके सब पार्ट है, जितने भी आप देख रहे हैं जहां भी गवर्नमेंट है, केवल एक मिजोरम में नहीं है, बाकी सारे स्टेट में एनडीए का गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट कहां थे, असम सर्वानंद सोनोवाल दिसपुर. ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन, गुवाहाटी का होता है, गुवाहाटी सबसे बिगेस्ट सिटी है, लेकिन कैपिटल कहाँ है, दिसपुर. और एक कंफ्यूजन और होता है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, असम, अरुणाचल प्रदेश. एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल. नागालैंड कोहिमा निफ्यूरियो, मणिपुर इम्फाल एंड बीरेन सिंह. ठीक है, मिजोरम एजोल. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग याद नहीं करते, एजोल. ठीक है, त्रिपुरा अगरतला बिप्लब देव, सिक्किम गैंगटॉक पवन कुमार चामलिंग एसडीएफ, छत्तीसगढ़ रायपुर रमन सिंह बीजेपी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू. ये हैदराबाद को चेंज होकर अमरावती बनने वाला है. ठीक है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी. तमिलनाडु चेन्नई पलनीस्वामी एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम. केरला तिरुवनंतपुरम पनेरी विजयन, ये कहाँ के, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई में एम लगा हुआ है बेसिकली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ठीक है, 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में डिविजन हुआ. ठीक है, 1964 में जब नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो है इन दोनों में अलग अलग हो गया थे, 1964. ठीक है, तमिल
केरला हो गया, कर्नाटक का एस डी कुमार स्वामी अभी, ठीक है, गोवा मनोहर पर्रिकर बीजेपी, तेलंगाना हैदराबाद के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति, काफी मेहनत किया तब जाके तेलंगाना बना 2014 में, ठीक है, 2013 तेलंगाना री मतलब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 के तहत 2014 में क्या बन गया तेलंगाना। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, मुंबई, गुजरात गांधीनगर विजय रूपानी, दिल्ली का दिल्ली ही है अरविंद केजरीवाल, पुडुचेरी का पुडुचेरी वी नारायण स्वामी, ये भी कांग्रेस के। नेक्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर एन एन वोरा, अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई सीएम नहीं, ठीक है, एन एन वोरा जम्मू एंड कश्मीर एन एन वोरा। हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश में आचार्य देवव्रत। पंजाब वीपी सिंह बदनौर, पंजाब के वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। हरियाणा कप्तान सिंह सोलंकी, ये सब बीजेपी के लीडर हैं सारे के सारे, मतलब एन एन वोरा नहीं है बस, ठीक है, ये पहले से ही, बाकी जितने आप देख रहे हैं सब बीजेपी लीडर्स ही हैं, पहले बीजेपी के लीडर रह चुके हैं। कल्याण सिंह ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, यूपी के, जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे, ठीक है। सो अभी कहाँ के गवर्नर हैं, राजस्थान। उत्तर प्रदेश राम नायक, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन इनके लिए हाई प्रोफाइल सीट मुंबई, यहां से गोविंदा से हार गए थे 2004 में, गोविंदा एक्टर है उनसे हार गए थे 2004 में, राम नायक बहुत बड़े लीडर थे महाराष्ट्र के, ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये हार गए थे गोविंदा से 2004। उत्तराखंड कृष्णकांत पॉल, ठीक है, ये भी बीजेपी लीडर। सतपाल मलिक बिहार, इनको अभी उड़ीसा का एक्सटर्नल चार्ज मिला हुआ था, एडिशनल चार्ज मिला हुआ था। अच्छा एक चीज बताइए, किसी दो स्टेट में अगर सेम गवर्नर होता है दो स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, ये एपी और तेलंगाना, इसके गवर्नर सेम है तो कॉस्ट कौन बियर करता है, खर्चा कौन बियर करता है, सेंटर क्या होता होगा 50-50। देखिए सीएफएस जो है, सीएफएस क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताया था, दोनों स्टेट के सीएफएस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 50-50 कॉस्ट बियर हो, ठीक है, लेकिन जहां भी खर्चा बियर किया जाएगा कहां से, सीएफएस से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बियर किया जाएगा। ये कंफ्यूजन, गवर्नर को पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, ठीक है, सीएफएस से ही पैसा दिया जाता है, ठीक है, क्या दो स्टेट होल्ड कर रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं होता, दो स्टेट होल्ड कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश आनंदीबेन पटेल, ये कहां की चीफ मिनिस्टर थी, गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी, अभी मध्य प्रदेश की क्या है, गवर्नर। तो जो पहले किसी अच्छे पोस्ट पे रह चुके होते हैं वो बाद में उनको गवर्नर बना लिया, ठीक है। ये एक्चुअली ओडिशा से हैं, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ट्राइबल लीडर है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ओडिशा से, जिनको बनाया गया है झारखंड का, झारखंड भी एक ट्राइबल स्टेट है ना, झारखंड इज ऑल्सो ट्राइबल, बहुत ज्यादा ट्राइबल है वहां पे, तो इसलिए उनको यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है क्या, गवर्नर, ठीक है, बीजेपी लीडर है कहां से, ओडिशा से। नेक्स्ट प्रोफेसर गणेशी लाल, ये रिसेंटली है इसीलिए ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, रिसेंट बनाया गया है प्रोफेसर गणेशी लाल। वेस्ट बंगाल केसरीनाथ त्रिपाठी, यूपी से ही बिलोंग करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट असम जगदीश मुखी, ये एक्चुअली दिल्ली
से एमएलए के कैंडिडेट रहते थे, बहुत दिनों तक गए थे एमएलए, इनको कहा भी जाता था कि ये भी ही वाज वन ऑफ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, मतलब उसमें से जगदीश मुखी, जब नहीं मिला तो इनको पहले अंडमान एंड निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर ये एलजी बना के भेजा, और बाद में जो है वो असम के गवर्नर के रूप में बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बीडी मिश्रा। नागालैंड पद्मनाभ आचार्य, ये सब भी बीजेपी लीडर हैं, ठीक है। और मणिपुर नजमा हेपतुल्ला, ये एक्चुअली माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थी सेंटर में बिफोर मुख्तार अब्बास नकवी, और इवन बीजेपी की तरफ से हामिद अंसारी के अगेंस्ट में जब पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो हामिद अंसारी के खिलाफ इनको उतारा गया नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला। मिजोरम कुमनम राजशेखरन, कुमनम राजशेखरन ये एक्चुअली केरला से हैं, तो ये इसलिए स्टार मार्क कीजिए इसको, दोनों केरला वाले आप स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि केरला से नहीं बीजेपी का कुछ भी, बस एक सीट है वहां पे मैंने, ओनली वन सीट इज देयर इन केरला, राइट। और ये केरला के बीजेपी प्रेसिडेंट कुमनम राजशेखरन एंड ही इज नाउ गवर्नर ऑफ मिजोरम, और रिसेंटली अपॉइंटेड है इसलिए भी स्टार मार्क करवाया है, ठीक है, कुमनम राजशेखरन। त्रिपुरा तथागत राय, तथागत राय त्रिपुरा, ठीक है, एक तथागत राय वैसे तृणमूल कांग्रेस में भी है लेकिन ये बीजेपी वाले। नेक्स्ट मेघालय गंगा प्रसाद, ठीक है, मेघालय गंगा प्रसाद, ठीक है। सिक्किम श्रीनिवास पाटिल, सिक्किम में श्रीनिवास पाटिल। और छत्तीसगढ़ बीडी टंडन, बलराम दास टंडन छत्तीसगढ़, ठीक है, बलराम दास टंडन छत्तीसगढ़। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यही ई एल नरसिम्हम, इसलिए मैंने वही एग्जांपल लिया था, ई एल नरसिम्हम कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश है तेलंगाना, ठीक है, ई एल नरसिम्हम, ये ई एल नरसिम्हम आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ठीक है, दोनों जगह की ये हैं। ये थोड़े ज्यादा चर्चा में थे बनवारी लाल पुरोहित और केरला के वाजुभाई वाला, क्यों वाजुभाई वाला इतने चर्चा में, क्योंकि उन्होंने किसको बना दिया सरकार बनाने का न्योता दिया, बीजेपी को दे दिया, ठीक है, जबकि अपोजिशन वॉज, हाँ नहीं अपोजिशन ये क्लेम कर रहा था कि हम मेजॉरिटी को, बनवारी लाल पुरोहित ये भी रिसेंट है क्योंकि सी विद्यासागर राव को एक्सटर्नल चार्ज मिला था कहाँ का, तमिलनाडु, ठीक है, तो अब बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। गुजरात ओम प्रकाश कोहली, गुजरात ओम प्रकाश कोहली, ठीक है, याद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली के कौन है अनिल बैजा, और कैपिटल कहाँ है दिल्ली का, दिल्ली का कैपिटल दिल्ली, पुडुचेरी, देखिए मैंने यहां पे साइड में एलजी एलजी लिखा हुआ है, एलजी 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 एडमिनिस्ट्रेटर 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 एडमिनिस्ट्रेटर, तीन जगह एलजी है और बाकी जगह पे क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो दिल्ली में अनिल बैजल, ठीक है, पुडुचेरी किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी पुडुचेरी। अंडमान एंड निकोबार के एडमायरल देवेंद्र कुमार जोशी, यहाँ भी इन तीनों जगहों पे क्या होता है एलजी होता है। अंडमान निकोबार का कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और दादरा नगर हवेली का सिलवासा, दमन एंड दीव का दमन, ठीक है, दमन एंड दीव दमन, ये तीनों का। और लक्षद्वीप का कावरती, ठीक है, बाकी तीनों का तो वही है, ठीक है, पुडुचेरी का पुडुचेरी और चंडीगढ़ का चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली का दिल्ली,
हनुमान एन कुमार, एडमायरल देवेंद्र कुमार जोशी, चंडीगढ़ वीपी सिंह, बदनौर, ये भी कौन है, ये पंजाब के ना, पंजाब वाली है ना, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ का भी चार्ज होता है उनके पास, ठीक है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ का चार्ज होता है, ठीक है। दमन एंड ड्यू प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये गुजरात से आते हैं, गुजरात के बीजेपी लीडर हुआ करते थे पटेल के, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, यहाँ के भी क्या कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, दोनों आसपास ही है ना, दमन एंड ड्यू और दादरा एंड नगर हवेली ये आसपास ही, ठीक है। अच्छा दोनों में के हाईकोर्ट कहाँ पे है, वहां उन दोनों जगहों पे तो हाईकोर्ट नहीं है, तो हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, ये भी कहीं मेंशन कर लीजिए आपको, ये भी क्वेश्चन बन गया। दिल्ली का अपना है, दिल्ली इज इसका अपना ओन हाईकोर्ट है, बाकी किसी के पास अपना हाईकोर्ट नहीं। पुडुचेरी का कहाँ है बताइए, मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, मद्रास या चेन्नई, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट। अच्छा अंडमान एंड निकोबार का कोलकाता, ठीक है, इसका कोलकाता है। चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, इसका कहाँ है, पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है। लक्षद्वीप बताइए, केरला हाईकोर्ट, ठीक है, लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट। और कौन सा बचा, दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नगर हवेली, ये मुंबई, मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव का, ठीक है। और दिल्ली का अपना, पुडुचेरी का मद्रास, ठीक है, कोई बचा तो नहीं, दो दो चार दो छः, एक कोई बचा गया, चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा, ठीक। टोटल कितने हाई कोर्ट होंगे, 24, ठीक है। कौन से स्टेट के पास, कौन से हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा स्टेट, गुवाहाटी, गुवाहाटी, ये सब लिखते चलिए, ठीक है, सब जीके का क्वेश्चन है। किस स्टेट के पास हाईएस्ट है, कौन से हाई कोर्ट के पास, गुवाहाटी, ठीक है। गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, मुंबई हाईकोर्ट, ठीक है, मुंबई हाईकोर्ट। बाकी उधर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, ये उनका अपना है। सिक्किम में अलग हाईकोर्ट है, मेघालय में अलग हाईकोर्ट है, त्रिपुरा में अलग है। तो समझ में आ गया, सब याद करने वाला ही, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है आप बताइए, होम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, राजनाथ सिंह का, लखनऊ, आप बताइए। नितिन गडकरी का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, नागपुर, ठीक है, आप बताइए।
अरुण जेटली का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा? राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सुषमा स्वराज का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? विदिशा, ठीक है, एमपी, ठीक है। पीयूष गोयल का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर? देवेंद्र फडणवीस। केरला के चीफ मिनिस्टर? कर्नाटक, एस डी कुमार स्वामी, कर्नाटक। केरला के सीपीएम क्या है ना रूल, कौन है? पनेरी विजयन, पनेरी विजयन, ठीक है। सॉस वाले में फंस जाते नहीं। तमिलनाडु का पनीर सेल्वम, की पनीर स्वामी, पनीर सेल्वम इससे पहले थे वो पनीर सेल्वम, ठीक है। अभी कौन है? की पल्ली स्वामी, ठीक है। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो पनीर सेल्वम, ठीक है। यूपी के और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएस रावत, ठीक है। हरियाणा के मणिपुर के बताइए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इसमें फंस जाते हैं ना। सिक्किम के, ये तो इंपॉर्टेंट है, पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। त्रिपुरा के विप्लव देव, ठीक है, सारा याद कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको, भेज दूंगा, ठीक है। इसमें कहां गलती बताया था? अरुणाचल प्रदेश का, उसको करेक्ट करके। नेक्स्ट क्लास में आपका इंपॉर्टेंट डैम्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया ना। अच्छा चलो फिर से बताओ, नेशनल पार्क नहीं, सब भेज दूंगा, ठीक है, एक ही साथ भेज दूंगा, ठीक है।